अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं टेक्निकल एडिटर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है वो किसी भी गाने पर जो है अब अपनी फ़ोटो किस तरह से लगा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी म्यूज़िक प्लेयर में अगर कोई भी गाना है उसका या पोस्टर या उसका टाइटल वगैरह जो है उसकी फ़ोटो जो है वो उसके ऊपर लगी होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उस फ़ोटो को हटाकर आप जो है अपने से कोई भी फ़ोटो जो है उसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल टेक्निकल एडिटर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है ऑडियो MP3। जी तो दोस्तों आप जब ऑडियो MP3 लिखेंगे तो आपके सामने जो है ये एप्लीकेशन का लोगो आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे सामने आ चुकी है। आपने बिल्कुल यही एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके 10 मिलियन डाउनलोड होना है और उसकी 4.5 रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी है। तो आपने यहाँ से ओपन कर लेना है इसको। तो ओपन करने के बाद ये हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगी। तो आपने क्या करना है, अगर इसके अंदर और भी काफ़ी सारे जो है वो फीचर्स हैं जैसे कि आप ट्रिम ऑडियो, आप किसी भी गाने को जो है वो ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं आपको जितना चाहिए हो। इसके अलावा आप टू सॉन्ग जो है उनको मिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मैरिज ऑडियो, ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी जो ऑडियो है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी MB जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है टैग एडिटर, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग और उसके बाद ऑडियो कन्वर्टर, ठीक है। आप यहाँ से ऑडियो को गाने को ऑडियो में कन्वर्टर कर सकते हैं और उसके अलावा वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर, ठीक है। और उसके बाद माइक एडिटेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो पर अपने गाने पर फ़ोटो लगाने के लिए आपको जो ये टैग एडिटर है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कोई भी जो है सॉन्ग है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सॉन्ग सेलेक्ट कर, तो जी मैंने ये सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर पहले नंबर पर टाइटल है, वहाँ पर आप अपना दे सकते हैं, आर्टिस्ट है जो है वो आप कुछ भी नाम अपना दे सकते हैं, एल्बम कवर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जनरल कंपोज़र ईयर, ओके। तो आप यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से जो है आप गाने के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक। आप जो भी इसके अंदर अपना नेम वगैरह टैग वगैरह जो भी आप देना चाह रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है पहले से भी, एक उसी गाने का पोस्टर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ये डिलीट वाला बटन है आपने इस पर क्लिक करके इस फ़ोटो को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ़ोटो जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो अभी आपने क्या करना है, इस डिलीट वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको एक गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर जो है वो गैलरी को, तो यहाँ पर ये हमारे पास गैलरी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से आप जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं, अपना अपनी फ़ोटो को ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं वो फ़ोटो जो है वहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। और आप यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उस फोटो इसके ऊपर जो है वो सेव हो जाएगी और जब भी आप गाना प्ले करके देखेंगे तो उसके ऊपर आपका फ़ोटो शो हो जाए। जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, आपने यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है तो यहाँ पर ये देखो प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पर ये जो है बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप इसको प्ले करके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस गाने को प्ले किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो जो है वो लग चुकी है, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी सॉन्ग्स पर आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं या आप कुछ भी उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, उसका टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। तो जी व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।